आई एम एट अ प्लेस कॉल्ड रामबाग इन तहसील मंडाल. दिस इज जस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड आई गॉट टू स्पेशल गेस्ट विद मी. प्रतिभा, शी इज़ अ 19-year-old एंड कमला, शी इज 80-year-old. नाउ बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द फैमिलीज ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, दोज पीपल हु आर नॉट having the voting rights to cast their votes for Jammu and Kashmir Assembly. But after the abrogation of Article 370, that has changed. Now, Kamla is a first-time voter and Pratibha is also a first-time voter. 80-year-old and 19-year-old. Let's first speak to the 80-year-old. पहली बार आप जम्मू कश्मीर के लिए वोट दे रहे हो तो क्या कहना है आपको? खुशी है, क्या कहना है, जो वोट पाएगा तो खुश हो जाएगा. और क्या कहना है, ईदू पिछा मेरे सस सौरा हे वो भी खज्जल खराब होते रहे ना, ना कोई उनकी जिमी ही, ना कोई डेरी, ना कोई आपकी है, कुछ नहीं है. हूँ इतना है हाँ भी थोड़ा कागज पत्र बन गए हैं, बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई नौकरी नहीं, कोई किस नहीं. हूँ अगे देखो, आपने कभी सोचा था कि ऐसे हालात आएंगे कि आप जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए वोट दोगे? कभी सोचा था ऐसे हालात आएंगे? नहीं सोचा तो नहीं है, पर हुन आ गए ना तो मन से करेंगे तो सोचेंगे. काफी ज्यादा खुशी है आज, इनकी मेहरबानी है, खुशी है आज, खुशी वाली है, इनकी मेहरबानी है सारी. प्रतिभा, यू टेल अस, यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन. What are your issues for this election? Of course, for others, for also for you, it's a very emotional and a sentimental moment that you were barred from casting your vote in for the state assembly. But now that has changed after the abrogation of Article 370, and you can take part in that electoral exercise. क्या सबसे बड़ा issues है आपके, और क्या लगता है आपको आपकी West Pakistani जो refugees हैं उनकी community के लिए कितनी बड़ी बात है? जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उनको यहाँ पे पहले एजुकेशन का कोई भी नहीं था, फ्री बैठते थे, मतलब पढ़ना है, उसके बाद आगे जॉब्स नहीं मिलनी, कॉलेज में एडमिशन नहीं होती थी, तो ऐसे ही फ्री थे, स्कॉलरशिप की कोई वो नहीं थी. 370 हटने के बाद उसके बाद हमें कॉलेज भी एडमिशन मिल रही है, अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. आईटीआई में भी मेरी सिस्टर है, तो अभी उन्होंने मैरिड के बाद किया आईटीआई, उसके पहले उन्हें एडमिशन ही नहीं मिलती मिलती थी कॉलेज में, तो ऐसे ही फिर बेगारी लाइफ थी आगे पढ़ती. तो आपको लगता है 370 के हटने के बाद नौकरी के दरवाजे खुल गए, गवर्नमेंट जॉब्स के दरवाजे खुल गए? अगर ये नहीं हटता तो फिर आपको भी, आप ही अप्लाई नहीं कर सकते थे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कि किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते थे, या किसी प्रोफेशनल कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते थे. अब आप करोगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है. आपने कभी सोचा था, मतलब आपने तो सुना होगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है 5 साल पहले 10 साल पहले, लेकिन जब ये चेंज आ गई तो आपकी उम्मीदें बढ़ गई? पहले तो ये लगता था कि ऐसे ही है, उस 12th करेंगे उसके बाद फ्री बैठना, बस. तो अब लगता है कि होगा जॉब तक. आप क्या बनना चाहते हो? टीचर. टीचर, गवर्नमेंट टीचर? हाँ जी. इससे पहले आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते थे, अब आप बन सकते हो, आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के मतलब टीचर बन सकते हो. अच्छा, ये बताइए कि मतलब यहाँ पे आप बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, हालात भी यहाँ पे बहुत ख़राब होते थे, लोगों को यहाँ से बॉर्डर से माइग्रेट करके किसी दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था, अब हालात भी बेहतर है. तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में? सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, आपने जैसे बोला कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कि तमाम मुद्दे जुड़कर मतलब तब जाके यहाँ के हालात बेहतर होंगे जब सिक्योरिटी का माहौल भी होगा, मतलब बॉर्डर के इलाकों में शांति भी आएगी और रोज़गार के नए रास्ते भी खुलेंगे. सो प्रतिभा ऑफ कोर्स हैज़ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ गवर्नमेंट टीचर. That was not possible till the abrogation of Article 370. So she's a first-time voter. She'll vote for the things that she wants that the government should do, and the representatives of this area should do for people like her. And Kamla, for her, it's an emotional moment, an extremely sentimental moment. 80 years of her life, she could not cast a single vote for the Jammu and Kashmir Assembly, but that's going to change now, and she will be
द फर्स्ट टाइम वोटर दिस टाइम अराउंड। इन जम्मू, जफर इकबाल फ्रॉम मोजो स्टोरी।